साल 2006 तक प्लूटो हमारे सौर मंडल का नौवां ग्रह था, लेकिन जब 2006 में ग्रहों की परिभाषा में बदलाव किया गया तो प्लूटो को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। असलियत में हुआ ये था कि 2005 में इरिस की खोज हुई थी जिसका मास प्लूटो से 27% ज्यादा था। तो अब हमें प्लैनेट्स की एक नई परिभाषा की जरूरत थी और जो नई परिभाषा बनाई गई उसमें प्लूटो फिट नहीं बैठ रहा था। तब इनको एक नया नाम ड्वार्फ प्लैनेट या बोना ग्रह दिया गया। प्लूटो सूर्य का 6 अरब किलोमीटर की दूरी से चक्कर लगाता है, जिसमें कई बार ये दूरी नेपच्यून से भी कम हो जाती है, मतलब सूर्य का एक चक्कर काटने में ये नेपच्यून के ऑर्बिट से भी गुजरता है। और इन्हीं दूसरों के ग्रहों में नोकझोंक करने वाले लक्षणों की वजह से ये ग्रह नहीं बन पाया। इसे सूर्य का एक चक्कर काटने में 247 साल लगते हैं। इसका डायमीटर 2390 किलोमीटर होता है, जो हमारे मून का 70% है, और इसका मास हमारे मून का सिर्फ 18% है। इसका मतलब प्लूटो इतना डेंस भी नहीं है जितना इसे होना चाहिए था। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि बात तो टक्कर कराने की हुई थी, जबकि हम तो बस इसके कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन टक्कर कराने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम किससे भिड़ने जा रहे हैं। वहीं बात करें धरती के नजरिए से तो प्लूटो की साइज धरती की सिर्फ 1/6 है, वहीं इसका द्रव्यमान पृथ्वी का सिर्फ 0.2% है। तो क्या होगा अगर इतना छोटा कोई बोना ग्रह हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाए? क्या इसके बाद पृथ्वी अपने ऑर्बिट से निकल जाएगी? क्या इसके बाद धरती पर जीवन चलता रहेगा? इस टक्कर के बाद प्लूटो का क्या होगा? मैंने प्लूटो को पृथ्वी से कंपेयर किया था, तो अगर किसी को प्लूटो टक्कर के लिए बहुत छोटा लग रहा है तो उनको ये बता दूं कि जिस एस्ट्रॉइड ने पूरी धरती से डायनासोर्स को खत्म कर दिया था वो महज 150 किलोमीटर बड़ा था, और हम 2390 किलोमीटर बड़ी चीज से टकराने जा रहे हैं। यह तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे क्या क्या होने वाला है। प्लूटो पृथ्वी से 5.2 अरब किलोमीटर दूर है, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि वो इतनी दूर से पृथ्वी से टकराने आएगा। लेकिन मानने में हमारा क्या जाता है, चलिए इसे एक प्रॉपर तरीके से करते हैं। मान लो आप सुबह उठो और जैसे ही मोबाइल खोलो सब जगह यही न्यूज चल रही हो कि किसी एस्ट्रॉइड की टक्कर की वजह से प्लूटो अपने ऑर्बिट से निकल गया है और वो तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ चला आ रहा है। पूरी दुनिया ये हिसाब लगाने में लगी है कि कब तक प्लूटो हमसे टकराएगा, क्या इससे बचने का कोई तरीका है। वहीं भारत के न्यूज चैनल वाले नेहरू को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से प्लूटो की टक्कर से बचने की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन शायद अब तक बहुत देर हो चुकी है। प्लूटो ग्रहों से हटाए जाने का बदला लेने पृथ्वी की तरफ तेजी से चला आ रहा है। नासा भी कई योजनाएं बना रही है प्लूटो को बीच रास्ते में खत्म करने के लिए, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया भी नहीं है कि इतनी ज्यादा स्पीड से चलने वाली चीज पर वो परमाणु बम फोड़कर उसे बर्बाद कर दे। अब तो ये टक्कर होना तय है। जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो स्पेसशिप लेकर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में जाने की सोच रहे हैं, वहीं कईयों ने जमीन के नीचे अपने सुरक्षित ग्रहों में शिफ्ट होना भी शुरू कर दिया है। एक समय वो भी आता है जब टक्कर में सिर्फ 10 घंटे बाकी हैं। अब सबको अपनी मौत सामने दिखाई दे रही है। प्लूटो आसमान में दिखाई देने लग गया है और धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। सब इधर उधर भागे जा रहे हैं। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। शायद ये तूफान के पहले की शांति है, लेकिन ये तूफान पानी या मिट्टी का नहीं आग का होने वाला है। प्लूटो धरती से टकरा जाता है। इससे इतनी ऊर्जा निकलती है कि सारी दुनिया जलने लगती है। ये किसी परमाणु बम से भी लाखों गुना ज्यादा खतरनाक है। सब अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। एक आग की लहर पूरे शहर को मिटा देती है। निकलने वाली ऊर्जा की वजह से सारे समुद्र का पानी भाप बनने लगता है। 1 या 2 घंटे में पूरी धरती वैसी ही हो जाती है जैसी 4 अरब साल पहले ये हुआ करती थी। अब धरती पर स्थलीय जीवन का कोई निशान नहीं है। हालांकि समुद्र की गहराई में अभी भी जीवन चल रहा है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आने वाले कुछ घंटों में धरती से सारा पानी भाप बन चुका होगा, पूरा जीवन ठहस नहस हो चुका होगा। पूरी धरती पर जीवन किसी भी रूप में होना संभव नहीं होगा, क्योंकि इस टक्कर से इतनी ऊर्जा निकलेगी कि एवरेज टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। जो लोग स्पेसशिप लेकर मार्स के ऑर्बिट में गए थे, या तो वो वहां से हमें मरते हुए देख रहे होंगे या परमात्मा के पास बैठे हमारे आने का इंतजार कर रहे होंगे। धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा, ये भी सूर्य के पास वाले ग्रहों की तरह बेजान हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, अब आपको NRC के लिए कागज भी नहीं दिखाने होंगे। अब बात करते हैं कि धरती के आसपास क्या होगा। जब प्लूटो पृथ्वी से टकराएगा तो इस टक्कर का कहर चांद को भी सहना पड़ेगा। चांद पर एस्ट्रॉइडों की बरसात होने लगेगी। हमने जो कुछ भी चांद पर भेज रखा है वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस टक्कर से पृथ्वी से इतना ज्यादा मटेरियल बाहर निकलेगा कि वो धरती के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में घूमना शुरू कर देगा।
लेकिन ये मटेरियल इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि ये जुड़कर कोई मून बना ले। इन सब की वजह से धरती के चारों तरफ शनि ग्रह की तरह एक रिंग बन जाएगी। इस टक्कर के बाद सौरमंडल में रिंग वाले दो ग्रह हो जाएंगे, लेकिन अफसोस उन्हें कोई देखने वाला नहीं होगा। इस तरह प्लूटो से टक्कर धरती को काफी महंगी पड़ेगी। ना धरती पर जीवन बचेगा, ना अपना वायुमंडल बचेगा, यहाँ तक धरती अपना पूरा आकार खो देगी। ये प्लूटो धरती को ऑर्बिट से तो नहीं निकाल पाएगा, लेकिन ऑर्बिट को काफी हद तक बदल कर रख देगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।